subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel. Sir Abdul Sattar Khan, 8th class English, the house builder. English activities, English workshop and activities की वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर वन है, इसका A1 एक्टिविटी है, स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ये ट्रू और फॉल्स डायरेक्ट आंसर दिए हैं. द मेसन रिफ्यूज टू कैरी आउट ऑन हिज वर्क, यानी जो राजमिस्त्री था उसने काम करने से इनकार कर दिया था. ट्रू. द मेसन डिड नॉट गेट सैलरी, मेसन यानी राजमिस्त्री को उसके तनख्वाह नहीं मिल रही थी. ये फॉल्स है. द कॉन्ट्रैक्टर वॉज हैप्पी अबाउट द मेसन्स रिटायरमेंट, जो कॉन्ट्रैक्टर था यानी ठेकेदार था वो राजमिस्त्री के यानी कामगार के रिटायरमेंट से बहुत खुश था. फॉल्स, गलत. द मेसन वर्कड विद द कॉन्ट्रैक्टर फॉर मेनी ईयर्स, यानी जो राजमिस्त्री है उसने कई सालों तक ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम किया. ट्रू. द मेसन टुक अ सडन डिसीजन ऑफ रिटायरमेंट, मेसन ने यानी राजमिस्त्री ने अचानक फैसला लिया कि उसे रिटायरमेंट लेना चाहिए. ट्रू. द ओनर्स ऑफ द न्यू हाउस बिल्ड बाय द मेसन वुड बी एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय, जो नए घर के मकान मालिक थे वो राजमिस्त्री ने जो घर बनाया था उसे बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान महसूस कर रहे थे, खुश हो रहे थे. भाई क्यों? द मेसन वॉज अ वेरी गुड वर्कमैन, जो राजमिस्त्री था बहुत अच्छा कामगार था. ही यूज़ टू टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क ऑफ बिल्डिंग एंड डिड इट विद फुल डेडिकेशन, वो बहुत दिलचस्पी से काम किया करता था और पूरे डिवोशन डेडिकेशन से काम किया करता था. ही वॉज़ वेरी ऑनेस्ट इन चूजिंग हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो बहुत ईमानदार था और हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल करता. ही टुक ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्स, डोरवेज, आर्चेस एक्सेट्रा परफेक्टली, वो तमाम दीवारों के, दरवाज़ों के और मेहराबों के बेहतरीन तरीके से पैमाइश लिया करता. वाट एवर ही बिल्ड, हिज फिनिशिंग वॉज एक्सेलेंट एंड अपीलिंग, वो जो भी बांधकाम किया करता, इमारतें बनाया करता, उसकी जो फिनिशिंग होती वो बहुत ही साफ होती और अपील करने वाली होती. नेचुरली द ओनर्स ऑफ द न्यू हाउसेज बिल्ट वुड बी एक्सट्रीमली प्लीज्ड, और कुदरती बात है कि जो नए मकान के जो मकान मालकान थे जब उन्हें घर मिलता तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते. ये द मेसन मेड अ फर्म डिसीजन टू रिटायर व्हेन, ये राजमिस्त्री ने तय कर लिया था कि उसे रिटायरमेंट लेना चाहिए. और कब किया उसने? द मेसन वॉज वर्किंग हार्ड एंड सिंसियरली फॉर मेनी ईयर्स विद द कॉन्ट्रैक्टर, राजमिस्त्री था वो कई सालों से काम कर रहा था ठेकेदार के साथ में और बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से काम किया करता. ही हैड सेटल्ड दिस हिज फैमिली नाइसली एंड विदाउट एनी स्कैर्सिटी ऑफ एनी काइंड, उसने अपने पूरे अफराद खाना को, अपने पूरे ख़ानदान को अच्छी तरीके से सेटल कर दिया था और उनके पास कोई कमी नहीं रखी थी. स्कैर्सिटी यानी कमी, एनी काइंड यानी किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं रखी थी. व्हेन ही बिकेम अ ग्रैंडफादर, जब वो दादा बन गया, ही थॉट डैट इट वॉज द राइट टाइम फॉर हिम टू रिटायर, तो ये इसके लिए सही वक्त है कि वो अपना रिटायरमेंट ले ले. ही इन्फॉर्म्ड हिज कॉन्ट्रैक्टर अबाउट हिज रिटायरमेंट एंड ही वॉज फर्म अबाउट हिज डिसीजन, और उसने अपने ठेकेदार को उस बारे में इत्तला दे दी और वो अपने फैसले पर कायम था. द कॉन्ट्रैक्टर कंपनसेटेड फॉर द मेसन्स गुड वर्क, हाउ? कॉन्ट्रैक्टर ने कंपनसेट किया था यानी उसके मेहनत की तलाफी की थी. कैसे? उसके अच्छे काम की. द कॉन्ट्रैक्टर वॉज प्लीज्ड विद द मेसन्स गुड वर्क डैट फेस्ड हिम गुड बिजनेस, जो ठेकेदार था वो बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान महसूस करता था, खुश होता था जब राजमिस्त्री अच्छा काम किया करता और उससे अच्छा बिजनेस होता और अच्छे उसके ठेके मिलते घर बनाने के और दूसरे नए कॉन्ट्रैक्ट मिलते. सो आफ्टरवर्ड द कॉन्ट्रैक्टर कंपनसेटेड हिम हैंडसमली, तो बाद के वक्फे में ठेकेदार ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत अच्छी तरीके से उसे कंपनसेट किया यानी उसका मुबादला उसको अदा कर दिया. विथ अ वेरी गुड सैलरी, जिसमें उसकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन या अच्छी उसे तनख्वाह थी. डैट वॉज सफिशेंट टू मीट ऑल नीड्स ऑफ द मेसन्स फैमिली, जो राजमिस्त्री के अफराद खाना की तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सफिशेंट थी.
फुट जाती थी। A3 नंबर की एक्टिविटी है द मेसन वाज अ वेरी गुड वर्कमैन। वाई, जो राजमिस्त्री है वो एक अच्छा वर्कमैन था। क्यों था वो? ही स्टार्टेड हिज वर्क विदाउट वेस्टिंग हिज टाइम। क्यों? क्योंकि वो अपना काम बगैर वक्त की बर्बादी किए शुरू कर देता। ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क ऑफ बिल्डिंग एंड वर्कड विथ फुल डेडिकेशन। वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से काम किया करता जब भी वो कोई काम करता। ही यूज्ड हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और वो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जो होता वो हाई क्वालिटी का इस्तेमाल करता। हिज मेजरमेंट्स ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर वॉज परफेक्ट, और उसकी जो पैमाइश थी, मेजरमेंट थी हर पार्ट की, वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हुआ करती। एंड हिज फिनिशिंग टच टू एवरी थिंग वॉज एक्सेलेंट, और जो फिनिशिंग होती वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती। हिज जील, डिलीजेंस, लॉयलिटी एंड परसिस्टेंस एंड ऑल हिज वर्क मेड हिम अ गुड वर्कमैन। उसकी जो तमाम खूबियाँ थी, जो ईमानदारी है या फिर मुस्तकिल मिजाजी है, उसकी वजह से क्या होता था, काम करने की जो उसकी क्वालिटी थी वो बहुत ही बेहतरीन हो जाती थी। वोकैबुलरी, नाउन फॉर्म्स मालूम करना है। अब यहाँ आंसर सामने दिए है, डेडिकेट डेडिकेशन, मेजर मेजरमेंट। अब देखिए इसमें सफिक्स का इस्तेमाल किया है, डेडिकेट को ATION लगाया, डेडिकेशन, मेजरमेंट को MENT लगाया, तो मेजरमेंट। डिसाइड डिसीजन, परफेक्ट परफेक्शन, रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबिलिटी, परसिस्ट एंड परसिस्टेंस। चलिए देखते हैं पर्सनल रेस्पॉन्स का एक और क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉन्ट्रास्ट इन द वर्कमैनशिप ऑफ द मेसन, यानी जो राजमिस्त्री था उसके वर्कमैनशिप में क्या कॉन्ट्रास्ट था। द मेसन डिड नॉट पुट हिज केयरफुल अटेंशन इन हिज वर्क, जो राजमिस्त्री था अपनी पूरी तरह अटेंशन नहीं लगाता था अपने काम में। क्यों हो गया था वो? हिज वर्क वॉज रफ एंड हिज वर्क वॉज रफ एंड वॉज डन विदाउट इंटरेस्ट और डेडिकेशन। ये आखिरी काम में क्या हो गया था कि उसका जो दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी और वो रफ काम कर रहा था। हिज बिल्डिंग मटेरियल वॉज ऑफ लो क्वालिटी, उसका जो बिल्डिंग मटेरियल था वो भी लो क्वालिटी का हो गया था। ही हैड कम्प्लीटेड हिज वर्क हेस्टिली एंड रफली, उसने अपना जो वर्क है वो बहुत जल्दबाजी में और रफ तरीके से कम्प्लीट कर दिया था। बिकॉज ऑफ रफ स्ट्रक्चर वीक वॉल्स, रफ स्ट्रक्चर और कमज़ोर दीवारों की वजह से, पुअर फिनिश द वर्कमैनशिप वॉज नॉट गुड एट ऑल। अब उसमें क्या हो गया था कि जो मकान की फिनिशिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आई थी, अच्छी नहीं लग रही थी। इट वॉज फार अवे फ्राम हिज ओरिजिनल वर्कमैनशिप, और ये उसकी जो कारीगरी थी उससे बहुत ही दूर थी। सेकेंड वाला है पर्सनल रिस्पॉन्स का एक और एक क्वेश्चन है, वट शॉक अवेटेड द मेसन, मेसन को कौन सी शौक की वजह से, कौन सी चीज़ों की वजह से शौक लगा। द मेसन वॉज वेटिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्टर टू हैंड ओवर द कीज टू द हाउस टू हिम, यानी राजमिस्त्री इंतज़ार कर रहा था कि ठेकेदार कब आए कि वो उससे चाबियों का गुच्छा लौटा दे। ही गेव द कीज टू हिम बट द कॉन्ट्रैक्टर इंस्टेड हैंडेड ओवर द लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड द कीज ऑफ द न्यू हाउस। उसके बजाय क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने क्या किया, ठेकेदार ने उसकी चाबियां लेने के बजाय वो चाबियां उसे वापस दे दी, और उसके साथ साथ उस मकान के कागजात यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स उसे लौटा दिए। अब उसमें क्या हुआ, डैट वॉज द ग्रेट शॉक डैट अवेटेड द मेसन। अब ये जो था ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा शॉक था जिसकी वजह से मेसन, जिसका बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर रहा था। द न्यू हाउस विथ हिज बैड वर्कमैनशिप नाउ बिलोंग टू हिम, नया मकान जो जिसमें उसने बहुत ही बुरी कारीगरी दिखाई थी वो अब उसका था। एज ए गिफ्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर यू रियप वॉट यू सो, ये एक कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से एक तोहफा था। यू रियप वॉट यू सो, यानी जैसा बोओगे वैसा पाओगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक